नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि आप अपनी मन की बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन किस तरह करना चाहिए अपनी मन की बात जानिए इस वीडियो के दौरान। अक्सर हम लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको समय ही नहीं मिलता है कि हम अपने लिए कोई चिंतन मगन कर सकें। हमेशा काम में इतने बिजी होने की वजह से आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। और लेकिन अगर आपको थोड़ा समय मिल जाए तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आपका उद्देश्य क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपने जीवन में यही नहीं पता होता है कि आपको जीवन में करना क्या है और आप क्या पाना चाहते हैं। तो यदि आपके जीवन में यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने पर्सन को अच्छे से समझें, जानें और उसके बाद उसके नतीजे पर पहुंचें कि आप क्या करेंगे। हमेशा देखा जाता है कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद नौकरी लग जाती है और नौकरी करने पर आप सोचते हैं कि इससे बेटर नौकरी मिल जाए या यह जॉब इससे बेटर मुझे और भी जॉब ऑफिशियल मिल जाए। ऑफिशियली जो जॉब चाहिए आपको नहीं मिल पाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सरलता से मिल जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रयास करें, मेहनत करें, क्योंकि आपकी मेहनत कभी तो रंग लाएगी। लेकिन यदि आप मेहनत करना ही छोड़ देते हैं तो वह मेहनत रंग कहाँ से लाएगी। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपका उद्देश्य आपको पता चले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। थोड़ा समय इसलिए निकालें ताकि आप अपने लिए कुछ सवालों के जवाब खुद से पूछ सकें, क्योंकि कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि आपको करना क्या है। हमेशा आपका जवाब आप ही से ही मिलता है, तो आप अपने लिए थोड़ा समय सोचने के लिए निकालें ताकि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या उद्देश्य है आपका वह चीज़ें जान सकें। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर एकांत में बैठकर उस क्वेश्चन का सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं जो आपका सवाल मन में घूम रहा है। क्योंकि अक्सर आपका जो भी मन में सवाल चल रहा होता है वह आप किसी से जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो आपका यदि कोई क्वेश्चन है और जिससे आप अपने घर में सबसे ज़्यादा घुल मिलकर रहते हैं और जिससे सारी बातें शेयर करते हैं, उससे अपनी बातें ये भी शेयर करें ताकि आपको इस प्रश्न का जवाब भी मिल जाए। और आपको जो भी राय देगा काफ़ी हद तक ठीक ही होगी, लेकिन जो भी राय मिले उसके बाद पहले सोच ले कि आपकी जो राय है और उसकी जो राय है काफ़ी हद तक मिलती है या नहीं। यदि मिलती है तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये है आपकी अपनी बात करने का तरीका। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।